मैनपुरी थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम करपिया निवासी 11 वर्षीय बालक द्वारा खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने स्कूल के शिक्षक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। संदीप भास्कर के 11 वर्षीय पुत्र नैतिक का शव कंधे पर लटका मिला है। पुलिस उसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी। इसी बीच रात को संदीप की ओर से तहरीर दी गई, जिसमें बताया उनकी पत्नी स्कूल में शिक्षक का कार्य करती है। वहां पर एक शिक्षक ने उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की थी। पत्नी के साथ ये अभद्रता का पुत्र चश्मदीप गवाह था। आरोपी शिक्षक अनिरुद्ध ने यह बात किसी को न बताने के लिए पुत्र को धमकाया, पिटा की। इसके बाद पुत्र की हत्या कर शव कंधे पर लटका दिया गया। दो दिन बाद इस बात की जानकारी छोटे बेटे ने उन्हें दी, अपनी दादी को खरीद। उधर बेवर थाना अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा का कहना है, तहरीर प्राप्त हुई है, जांच की जा रही है। 11 साल के बालक द्वारा खुदकुशी के मामले में शिक्षक पर लगा हत्या का आरोप। जांच के लिए रविवार की शाम पुलिस मृतक नैतिक के घर पहुंची, जहां उनको एक पत्र मिला जिस पर लिखा हुआ था उसकी मौत पर शोक व्यक्त न करना, उसकी हत्या के लग्न में विसर्जित कर देना, कहीं और बातें भी लिखी थी। पुलिस ने पत्र को जांच के लिए कब्जे में ले लिया। वही मृतक की दादी सुनीता भास्कर ने जिलाधिकारी महोदय मैनपुर से की थी। जिलाधिकारी मैनपुर के आदेश पर आज मृतक का शव समाधि का गड्ढा खोद कर नायब तहसीलदार बेवर थाना पुलिस की मौजूदगी में शव को निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने बताया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर नाम दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निवासी करपिया थाना बेवर, इनकी मृत्यु हुई थी 4 मार्च को, लेकिन 4 मार्च को उसके बाद इनको दफनाया गया पूरे रीति रिवाज से। तो 5 तारीख को इनके परिजनों 5 तारीख को दफनाया गया था, लेकिन परिजनों को कुछ आशंका हुई तो उसके बाद उनके आवेदन पर ये इनका शव फिर से निकाला गया है, और जिसे अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, और पोस्टमार्टम के बाद ही असली मृत्यु का कारण पता चलेगा। ये किसका शव है और क्या पूरा मामला है? ये 12 वर्ष के नैतिक का शव है, जो कि संदीप भास्कर का पुत्र है, और उनके अभिभावकों को कुछ शंका है उनकी मृत्यु का कारण जानने के लिए। तो मृत्यु का असली कारण जानने के लिए वो लोग इसका पोस्टमार्टम करना चाहते हैं सबका, जिसके लिए उनका सब फिर से निकाला गया है। किसके आदेश पे और किसकी मौजूदगी में ये सब निकाला गया? ये उपजिलाधिकारी महोदय का आदेश है, और अभी यहाँ मौके पर नायब तहसीलदार भोगाव और एसओ बेवर मौके पर मौजूद है। पुत्र की उसके टीचर ने हत्या कर दी है, जिसका मुझे बाद में ज्ञान हुआ। इस बच्चे के छोटे भाई ने जो बयान दिया है उसके चलते मैंने जो है न्यायिक जांच की मांग की है, जहां हमारे डीएम साहब भी उपस्थित थे और सीओ साहब भी उपस्थित थे। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूं, ताकि इसे मेरे बच्चे को जिसने मारा है उसको जल्दी से जल्दी हिरासत में लेकर न्याय। क्या मामला है? बच्चा कितनी उम्र है? 11 साल की उम्र है, और जिसे मार कर फांसी पर लटका दिया गया है।